ठीक है कि बताइए आपका नायका भवन कहाँ बना है? अच्छा ये बताना मुझको चावल कहाँ पर है? ये बताना मुझको कि आम से औषधि कहाँ पर है? और ये बताना मुझे समुद्र देखने कहाँ पर है? कहाँ? अच्छा ये बताना मुझको कि खानों में कहाँ हो रहा है? नायका भवन तुम लोग कहाँ बना है? कहाँ बना है? अब मस्तिष्क का इलाज कराने कहाँ जाना था? गुरुग्राम में, बोलना नहीं, गुड़गांव का गुरुग्राम हो गया है। पहले गुड़गांव था, अब क्या हो गया? गुरु ग्राम हो गया है। अब देखो समझना, अब देखो बोपड़ा कौसे कांच कौसे कलकत्ता, कौसे कांच कौसे कोलकाता, कौसे कांच कौसे कोलकाता, कौसे कांच कौसे कोलकाता, कौसे कांच कौसे कोलकाता, को कांच को कोलकाता, को कांच को कोलकाता, को कांच को कोलकाता, को कांच को कोलकाता। ये बताना मुझको कांच एवं मृतिका शुभ संस्थान कहाँ पर है? अखनन कहाँ पर हो रहा था? अब देखो ये जमशेदपुर की बात अगर करते हैं तो धातु कहाँ पाया गया जमशेदपुर में? दिमाग पर ट्रेंड करना है, ये एक्सेप्ट कर लेगा चीजों को, बड़ी चीजों को छोटे रूप में सीखना। धातु मिल रहा है कहाँ? जमशेदपुर में। धातु कहाँ? जमशेदपुर में। धातु कहाँ? जमशेदपुर में। नायका भवन कहाँ? रुड़की में। नायका भवन कहाँ? रुड़की में। को से कोलकाता, को कांच को कोलकाता, को कांच। धनबाद में खनन हो रहा है, धातु कहाँ है भैया? जमशेदपुर में। नायका वाला भवन कहाँ बना है? रुड़की में। नायका वाला डेयरी कहाँ खुला है? धनबाद में। कहाँ खुला है? धनबाद में। और आलू कहाँ खाना था? सियाना में। चावल कहाँ खाना था? पटना में। चावल कहाँ खाना था? पक्का ना? कुछ कुछ क्या रे बहुत देखो दिमाग में गया। कौसे कांच कौसे कोलकाता, को कांच को कोलकाता, को कांच को कोलकाता। ये बताना केंद्रीय क्या चौमृतिका शोषण संस्थान कहाँ पर? ये बताना मुझको कि केंद्रीय आरोग्य सुधार संस्थान